एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ डांस की ऑनलाइन क्लासेस में जो कि थ्योरी पार्ट है। आज मैं आपको कथकली नृत्य के बारे में बताऊंगी। जैसा कि मैंने आपको शास्त्रीय नृत्य के बारे में बताया था पहले, उसमें 7 प्रकार के क्लासिकल डांस थे। आज मैं उनमें से एक कथकली नृत्य के बारे में बताना चाहूँगी कि कथकली भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला का महत्वपूर्ण नृत्य है। ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है और दक्षिण भारत केरल राज्य के प्रचलित है। तो आइए हम जानते हैं कथकली नृत्य के बारे में और उसके वेशभूषा मेकअप के बारे में। भारतीय शास्त्रीय नृत्य विधा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य है। इस नृत्य को कहानी नुमा प्रदर्शित किया जाता है, यानी हर नृत्य के पीछे कोई ना कोई कहानी अवश्य होती है। यह नृत्य दक्षिण भारत के केरल राज्य में अधिक प्रचलित है और वहां पर इसकी लोकप्रियता भी काफी है। अन्य भारतीय शास्त्रीय संगीतों की तरह ही कथकली में भी शरीर की विभिन्न मुद्राओं, हाथ और पैरों के बेहतरीन उपयोग से कहानी के विभिन्न चरणों को बखूबी प्रदर्शित किया जाता है। इस नृत्य में संगीत और गायन का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। कथकली के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह नृत्य कुट्टियट्टम, कृष्णट्टम और भारत की सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट कलरीपयट्टू से उत्पन्न हुआ है। कथकली में भारतीय पौराणिक कथाओं को ही नृत्य रूप में प्रदर्शित किया जाता है। शाम के वक्त जब सूरज ढलने लगता है तो मंदिर के प्रांगण में ढलते हुए सूरज के साथ ही नगाड़ों या ड्रम्स, जिसे केलीकोट्टू कहते हैं, की आवाज के साथ यह नृत्य प्रारंभ होता है। इस ड्रम का साथ देने के लिए चेंगिला की संगत भी की जाती है। कला के लिहाज से कथकली एक बेहतरीन प्रस्तुति होती है, जिसमें भाव, संगीत, नृत्य, नाटक के अलावा रंगों का प्रयोग भी अनूठी तरह से होता है। कथकली को इसके प्रस्तुतीकरण के हिसाब से 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है कलासम। यह कथकली का सबसे कॉमन पार्ट होता है, जिसे लगभग सभी तरह की परफॉर्मेंस में प्रयोग किया जाता है। दूसरा भाग होता है इरात्ति, जिसमें युद्ध से जुड़ी कला व नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। तोंगकरम, यह भाग भी इरत्ति की ही तरह होता है, परंतु इसमें संगीत अलग होता है। नालमिरत्ति, इस भाग का प्रयोग एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से जोड़ने में होता है। आइए अब जानते हैं कथकली के सौंदर्य यानी मेकअप के बारे में। कथकली में मेकअप को वेशम कहा जाता है और वेशम के कई प्रकार होते हैं, जो पात्र के अनुसार या अभिनयकर्ता के रोल के अनुसार होते हैं, जैसे पच, काठी, थाड़ी, कारी और मिनुक्कू। पच, जिसमें चेहरे पर हरा रंग पेंट किया जाता है और हरा रंग श्रेष्ठ नायकों को दर्शाने के लिए होता है, जैसे विष्णु, शिव इत्यादि। काठी वेशम राक्षस की अभिनय को दर्शाता है। थाड़ी वेशम 3 प्रकार का होता है, जिसमें सफेद थाड़ी या व्हाइट बियर्ड, सुपर ह्यूमन्स या बंदर आदि प्रजाति के नायक चरित्रों के लिए होता है, जैसे हनुमान। लाल थाड़ी या दाढ़ी दुष्ट चरित्र को दर्शाने के लिए होता है और काली दाढ़ी का प्रयोग शिकारी प्रजाति या जनजाति के चरित्र को दर्शाने के लिए किया जाता है। कारी वेशम महिला दुष्ट चरित्रों को दर्शाता है, जैसे सूर्पणखा, तथा अंतिम चरित्र होता है मिनिक्कू, जिसमें साधु या किसी महिला के चरित्र को दर्शाया जाता है। कथकली में इन सभी रंगों के माध्यम से हम चरित्र की पहचान करते हैं। कथकली की शुरुआत केलीकोट्टू से की जाती है। इस नृत्य के प्रमुख कलाकार कलामंडलम मुरली, कलामंडलम गोपी, गुरु राघवन। तो देखा आपने कथकली के नृत्य के बारे में जाना और समझा। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे और कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।